तो झारखंड में पहले चरण की चुनावी बाजी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने झारखंड में एक रहेंगे सेफ रहेंगे जैसे नारे के जरिए हिंदू वोट को एकजुट करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर हमले की झड़ी भी लगा दी। रविवार का दिन झारखंड के लिए सियासत का सुपर संडे जैसा था, जहां प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह था। न सिर्फ रैली में बल्कि रैली के बाहर कई किलोमीटर तक समर्थकों की भीड़ थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे उनका उत्साह सातवें आसमान पर था। ये झारखंड के बोकारो की तस्वीर है, जहां पीएम मोदी ने दो रैलियां की और विपक्ष पर हमलों की झड़ी लगा दी। आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक अंदाज में विरोधियों पर बरस रहे थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में आए धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसकी सरकार ने 370 फिर से वापस लाने का प्रस्ताव पारित किया है। ये हमारे सैनिकों को फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। बीजेपी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों को हथियार बना रही है और हर मंच से हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण का प्रचार कल सोमवार को थम जाएगा। वहां 43 सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन प्रचार थमने से पहले बीजेपी की कोशिश हिंदू वोटर को एकजुट करने की है, ताकि झारखंड की हर एक सीट पर कमल खिलाया जा सके। नरेंद्र मोदी नाम का कोई नहीं है, ये नरेंद्र मोदी क्या है, ये नरेंद्र मोदी फालतू है। सुभाष यादव को जिताइए, बोलिए सुभाष यादव। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।